नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने तीसरे फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। जनरल वीके सिंह ने बताया कि ये ब्रिज शहर को विजय नगर से जोड़ने के लिए जिसकी लागत लगभग 8.7 करोड़ आई है। प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर भी रैंप बनाया गया है जिससे बुजुर्गों को आने जाने में परेशानी न हो। इससे शहर की दोनों तरफ की जनता को लाभ पहुंचेगा। इस फुट ओवर ब्रिज को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर खोला गया है। ये FOB जो है सिटी साइड को विजयनगर साइड से कनेक्ट करता है। इसमें दोनों तरफ रैंप बनाया गया जिससे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और दिव्यांग लोग हैं उनको इधर से उधर जाने में कोई कष्ट ना हो। प्लेटफॉर्म 1-2 पे भी हमने रैंप का प्रोविजन किया है जिससे कि दिव्यांगजनों को सुविधा हो वहाँ पहुँचने में। और इसका टोटल लेंथ 135 मीटर का है, 6 मीटर वाइड FOB है। इसको काम जो है पूरी करीब 8.7 करोड़ की लागत से कंप्लीट करा गया है और ये 2018 के एंड में करीब 11वें या 12वें महीने में इसका कार्य शुरू हुआ था और इस माह इसका कार्य खत्म हुआ। योजना एक समग्र योजना के अंतर्गत है। हमारे पास दो पहले FOB थे, अब एक तीसरा FOB बन गया है और इसका लक्ष्य ये है कि जो भीड़ एक उसके ऊपर चलती थी अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के लिए इसके ऊपर से रास्ता है। दोनों तरफ हमने एस्केलेटर का और रैंप का प्रबंध किया है। अभी जब बाकी रेलवे स्टेशन का विस्तार होगा तो बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इन चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी ताकि दिव्यांगों को कोई दिक्कत ना हो। गाजियाबाद खोड़ा क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। एक कचरा उठाने वाली गाड़ी में राष्ट्र ध्वजों को रखकर कहीं ना कहीं राष्ट्र ध्वज का साफ तौर पर अपमान हो रहा है जो कि शर्मनाक है। ये खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र का पूरा मामला है जहाँ पर अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। लगातार एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, वायरल वीडियो एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के अंदर में रखकर राष्ट्रध्वज का किस तरह से अपमान किया गया है खोड़ा नगर पालिका द्वारा। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में कल हर गली गली हर जगह से राष्ट्रध्वज निकाला गया और तिरंगा यात्रा निकली है। तिरंगा यात्रा के बाद कहीं ना कहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। राष्ट्रध्वज का पूरा अपमान किया जा रहा है साफ तौर पर, किस तरह से कूड़े की गाड़ी के अंदर में। एक मामला ऐसा ही सामने उत्तर प्रदेश से देखने को मिला था जिसमें योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें कूड़े ले जाने वाली गाड़ी के अंदर में देखने को मिला था। तत्काल संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ के द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल सस्पेंड किया गया था। कहीं ना कहीं आज नगरपालिका पहुंचे हैं, आदिशासी अधिकारी से हमने संपर्क भी साधने की कोशिश करी लेकिन कहीं ना कहीं आदिशासी अधिकारी यहां पर नहीं है। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं वो बात करना चाहती है कैमरे के सामने? अक्सर उनसे जब बात की जाती है वो कहीं ना कहीं मामले को टाल मटोल करने की कोशिश की जाती है। आखिर नगरपालिका कब एक्शन लेगी इस तरह के मामले पर, क्योंकि हर घर तिरंगा यात्रा एक मुहिम छेड़ी है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल सकती है। हम इस वक्त मौजूद हैं खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंदर में, ये खोड़ा नगर पालिका है तस्वीरों में देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है यहाँ पर जो जवाब दे सके इस पूरे मामले पर। तो आखिर कब कार्रवाई होगी ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी खास तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं या किस तरह से उनको संज्ञान में आने के बावजूद भी। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति आए हैं और ये किसी एसोसिएशन से हैं और इन्होंने एक एप्लीकेशन अभी यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। एप्लीकेशन देख सकते हैं खोड़ा रेजिडेंस एसोसिएशन जो कि लगातार उस वीडियो के संबंध में यहाँ पर एक एप्लीकेशन देने आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि यह एप्लीकेशन किस संदर्भ में देने आए हैं और क्या कुछ बात हुई है। आप अंदर गए, आपको अधिशासी अधिकारी मिली? अभी कोई नहीं है, ये कह रहे कि छुट्टी है मंडे को आना। मेरा नाम राकेश सिंह रावत है, वार्ड 18 बंदन किले में रहता हूँ। जैसे हमें सूचना मिली कि खोड़ा में किसी जगह में संगम से पार्क में वार्ड नंबर 12 में कि कूड़े की ठेली से जिससे कूड़ा उठाया जाता है नाली का उससे उसमें ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को ले जाया गया। कितना बड़ा अपमान है, मतलब नगर पालिका पूरे खोड़ा की नगर पालिका क्या इनके पास अलग से रिक्शे नहीं है या गाड़ी की व्यवस्था नहीं है जो हमारे देश का सबसे बड़ा मान और सम्मान जिससे होता है तिरंगा उनको उसको ले जाने के लिए। पर बहुत इसमें बहुत बेइज्जती की बात है कि हमारे ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को इतना अपमान किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा। जिसने भी इस कार्य की जिम्मेदारी ली है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो हम चाहते हैं।
जैसा कि अभी इस समय आप नगरपालिका पहुंचे हैं, यहां पर अभी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, क्या आपने फ़ोन साधने की कोशिश करी, संपर्क किया आपने, क्योंकि नंबर जो है CGU नंबर सबके पास होता है, तो आपने फ़ोन पर संपर्क किया उनसे कि इस तरह का जो मामला सामने आया है इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बात हुई आपकी अभी तक? बिल्कुल, अभी मैं जैसे अंदर गया, अभी जो अंदर थे हमारे लोग, उनने बोला कि अभी कोई नहीं है, छुट्टियाँ, मंडे को आइए, मंडे को संपर्क करिएगा। जैसा कि इनका कहना है कि आज छुट्टी है और आदिवासी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, और दूसरी बात, अगर आदिवासी अधिकारी से या पत्रकार हो या आम जनता हो अगर फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन तक नहीं उठाते, ये उनके अंदर इतना बड़ा एटीट्यूड या कह सकते हैं या घमंड कह सकते हैं, क्योंकि वो अहदे उनका बड़ा है, आदिवासी अधिकारी हैं, पिछले 4 साल से गाज़ियाबाद के अंदर में एक ही जगह पर मौजूद हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, Prime TV। प्रयागराज में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय कारागार में बंद कैदियों के लिए जेल प्रशासन की ओर से मिठाई और राखी को मुफ्त में दिया गया। इस दौरान जेल में बंद कैदियों से मिलने आई उनकी बहनों ने सूनी कलाइयों पर राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक प्रेमनाथ पांडे ने Prime TV से खास बातचीत की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से? हम अपने भाई से मिलने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफशा है। अच्छा लग रहा है, सब कुछ मिला है, बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा लग, मतलब पहले इतना टाइम नहीं मिलता था, टाइम ज़्यादा मिल रहा है, बैठ के मतलब वहाँ भी ज़्यादा लाइन नहीं लगाने की पड़ी, जल्दी से मतलब मिलने आ गए, समय भी ज़्यादा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इस बार जेल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था फर्स्ट टाइम दी गई है, क्योंकि मैं पिछली बार भी आ चुकी हूँ पर यह सब व्यवस्था नहीं की गई थी। इस बार पहली बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई, अगर कोई भूल के ना भी ला पाए सामान तो यहाँ पे टीका, रोली, फूल और मिठाई सब कुछ दी गई, और बैठने की भी सुविधा बहुत अच्छी दी गई है, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार के हम लोगों की लगी है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कई मीटरों में आग लग गई, जिसमें कुछ लोगों के घर में रखे जरूरी सामान भी जल गए, तो वहीं आग लगने की वजह से एक मासूम की और एक युवती की आग लगने से झुलस गए। मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आग लग गई मीटर में, बच्चे भी जल गए, दुकान में भी आग लग गई, सारा सामान जल गया दुकान का, सब में आग लग गई मीटर में। तो अभी यहाँ पर कोई कोई नहीं आया, नहीं कोई पुलिस आई। जलीन का क्या नाम है? साहिबा। तो इनके लिए तो तुमने एम्बुलेंस को फोन करे, नहीं कोई नहीं आया? कोई आए नहीं, कोई आए नहीं है, बिजली घर से भी ना आया कोई भी, इतनी लापरवाही है। क्या लड़का शैम्पू और साबुन लेने आया, वहाँ से क्या नाम है खड़ा होकर ता ना पाया, तो फटाफट हो गई इनमें भाई साहब, और वो भेजा जला। हम ये चाहते हैं कि हक होना चाहिए, हक का मतलब ये खंभे भी लगने चाहिए, यहाँ पानी की पाइपलाइन भी होनी चाहिए, यहाँ बिल्कुल कूफा हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, भेजा अब डॉक्टरों की दवाई दें या बच्चों को पालें या कमाएं या खिलाएं, इनका इलाज करें। अब किसकी लापरवाही मानते हैं अभी? अरे बत्ती वालों की ये लापरवाही है, जब शिकायतें पहुंच रही है पुलिस वाले यहां तक ना आए तो कब आते, जब यहां लाशें बिक जाती, जब होती। अब अचानक हम घर में बैठे हुए थे, एक धमाका हुआ, हाई टेंशन से और केबलों का फॉल्ट हुआ, और मैं दुकान में बच्ची बैठी हुई थी और साहब आग लग गई पूरे घर में, मैं मीटर मेरा नया लगा हुआ अभी का। कितने मीटर होंगे? लगभग 5 से 6 तक हैं मीटर। हाँ झुलते हैं, 2 बच्चे, एक साहिबा नाम की लड़की और लड़के का नाम क्या भाई? सुभान नाम का लड़का। तो बिजली विभाग का अधिकारी है, कोई पुलिस कर्मी आया? नहीं आया कोई भी, और इन केबलों की 50 दफा हम शिकायत कर चुके हैं बस्ती वाले सब मिलकर। लखनऊ में कमिश्नरेट की पश्चिमी पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा DCP S चिनप्पा और ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने केसरबाग चौराहे से नजीराबाद होते हुए अमीनाबाद तक निकाली और हाथों में तिरंगा लेकर जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाए। इस दौरान थाना क्षेत्रों के सभी चौकी प्रभारी और पुलिस मौजूद रही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से निकाली गई 15 अगस्त तक राजधानी में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। औरैया में रक्षाबंधन के पर्व पर ARTO और यातायात विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि बिना हेलमेट बाइक ना चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। देखिए हमारा कहना यह है कि मोटरसाइकिल चलाओ,
तो हेलमेट लगाओ, चार पहिया वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट लगा के चलाएं, और रक्षाबंधन को खूब बढ़िया पर्व मनाएं, और तिरंगा झंडा हर गाड़ी में घर घर लगना जरूरी है, क्योंकि जो मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा बहुत बढ़िया बात है। हेलमेट ये संदेश दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि लोग अब बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और 16 साल से प्रचार कर रहे हैं कि हेलमेट लगाओ, स्वयं सुरक्षा पाओ, यातायात के नियम अपनाओ और रोड पर जाम मत लगाओ। खबर अलीगढ़ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है। 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6,800 अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। दरअसल शिक्षार्थियों को नियुक्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरक्षण को लेकर मांग उठाई गई। आयोग के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आश्वासन दिया। सर, हम 6,800 के चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और पहले तो हमारी जो भर्ती है उसमें घोटाला हुआ था एससी ओबीसी सीटों का, तो क्या वो काफ़ी टाइम तक तो वो मान ही नहीं रहे थे, और जब वो माने हैं फिर उसके मतलब इन्होंने लिस्ट निकाली थी, ठीक, लिस्ट निकाली थी 5 तारीख को, 6-5 के बाद मतलब 6 तारीख में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था, ठीक है। अभी तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, हमें 7-8 महीने हो गए, 7-8 महीने तो हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तब से हो गए। बाकी हम 2-2.5 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो अलग। एक कुछ अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षा भर्ती हुई थी, उसमें से जो लोग कुछ बचे हुए थे, इनका रिजर्वेशन पे लेकर के जो असंतोष है उसकी वजह से कह रहे हैं कि हमको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। उसको माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे ये लोग, माननीय मंत्री जी आज हैं नहीं, तो इनको समझाया गया, इनका ज्ञापन लिया गया है कि इनकी बात वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का मामला है, 69,000 की भर्ती है, आरक्षण घोटाला उसमें हुआ था, ठीक है, एनसीबीसी की रिपोर्ट आई है जिसमें घोटाला पकड़ा भी गया। जो पिछले मंत्री थे श्री द्विवेदी, उन्होंने घोटाले को माना कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम इसे सही करेंगे, सही किया, 6,800 की लिस्ट भी निकाली, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसके लिए आज हम यहाँ पे मंत्री जी से मिलने आए। बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे संदीप सिंह, इनसे मिलने आए थे क्योंकि त्यौहार है, हमने सोचा कि मंत्री जी आवास पर होंगे, उनसे मिल लेते हैं और अपनी पीड़ा को बताएंगे, लेकिन मंत्री जी नहीं मिले। अयोध्या में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत कोतवाली नगर में एक गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी को एसएसपी प्रशांत वर्मा ने संबोधित किया। प्रशांत वर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस और अयोध्या पुलिस की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही अयोध्या धाम में होने वाले मेले और कई मौकों पर श्रद्धालुओं के सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मौके पर एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और सीओ सिटी के साथ स्थानीय राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी अवसर पर आम जनता के माध्यम से संवाद स्थापित करने के लिए एक जो गणमान्य नागरिक हैं उनकी एक गोष्ठी की गई। इस अवसर पर जो पिछले 75 वर्ष की उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियाँ थी उन्हें, और जो अयोध्या पुलिस की उपलब्धियाँ थी उन्हें, के विषय में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त एक जो स्वतंत्रता की जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी शुभकामनाएं आम जनता को दी गई। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 12 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मासूम घर वापस नहीं पहुंची, रेलवे ट्रैक के पास बच्ची का शव मिला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। उस संबंध में हमारी पुलिस और हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद देखा कि उसकी डेड बॉडी है और थोड़ा खून भी आया हुआ था, और उस संबंध में डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम में रखवा दिया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है 302 का, और जैसी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद जो कार्रवाई बनेगी आगे और जो सुराग हम लगा रहे हैं उसका जल्दी से पता करके दोषियों को गिरफ्तार शीघ्र कर लिया जाएगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष को पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन से हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें 110 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
सोनभद्र में हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक पुलिस और पीएसी के कर्मियों ने भाग लिया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। लगभग 75 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी राजकुमार त्रिपाठी, प्रतिसार निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भंगहा बाजार और क्षेत्र में चौकी प्रभारी राणा विशाल प्रताप सिंह ने 200 तिरंगा झंडे बांटे और एक मिसाल कायम की। तिरंगा वितरण से लोगों में देशभक्ति का जुनून बढ़ता जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। स्कूली छात्राओं की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। जैतापुर गांव में तिलक डिग्री कॉलेज के छात्राओं की ओर से ग्राम प्रधान अभिषेक की मौजूदगी में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं तिलक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य ने ग्लोबलाइजेशन जैसी समस्या से निपटने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की अपील की। सर, हमारे विद्यालय महाविद्यालय की तरफ से सर 11 से 17 तारीख तक काफ़ी अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। उसमें वृक्षारोपण की प्रतियोगिता रखी गई थी, नृत्य प्रतियोगिता रखी गई थी और सर स्लोगन प्रतियोगिताएं रखी गई थी। कई तरीके की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। हम लोगों का उत्साह वर्धन बढ़ाया गया है। हम लोगों के अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं वो निकाली जा रही हैं। एक एक बच्चा ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है, जिसके अंदर जो भी प्रतिभा है वो दर्शाई जा रही है। इनसे इन पौधे लगाने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ऑक्सीजन वगैरह और हमारा वातावरण और पर्यावरण दोनों पे ही इसका वो प्रभाव पड़ेगा। हम लोग भी अपने यहाँ हर फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे कॉलेज की तरफ से पार्टिसिपेट किया जा रहा है और हर फंक्शन में हम लोग अच्छे से अपना दे रहे हैं। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, उस तत्वाधान में आज हमारे ग्राम में तिलक महाविद्यालय से NSS का कैंप जो आया है, उस संबंध में वृक्षारोपण शहीदों की यादगार में किया जा रहा है। कितने पेड़ लगाए गए हैं? लगभग 50-60। हम ये आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उस वर्षगांठ को हम अपने जो हमारे जो वीर सपूत हैं उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए जो सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि हम वीर सपूतों के नाम कुछ वृक्षारोपण करें। तो हम तिलक महाविद्यालय परिवार के सभी बच्चे, सभी टीचर, NSS के अधिकारी आज जैतापुर गांव में आके वृक्षारोपण वीर सपूतों के नाम हमने किया है। औरैया में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिलक डिग्री कॉलेज परिषद क्षेत्र में DM और SP के नेतृत्व में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान तमाम पुलिस अफसर भी मौजूद रहे। इसके साथ ही DM PC श्रीवास्तव और SP चारू निगम ने भी मैराथन दौड़ में अपना योगदान दिया। और मीडिया से बात करते हुए DM ने बताया कि कल साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा। पुलिस के जवान, हमारे विभागीय अधिकारी और आम नागरिक, जो बच्चे दौड़ते हैं स्कूल के, कॉलेज के, सभी ने पार्टिसिपेट किया है बहुत अच्छी तरह। 5 किलोमीटर की दौड़ थी, वो बहुत निर्धारित समय में, कुछ बच्चों ने तो 12 मिनट में पूरा किया इसको। और कल जो हमारा रैली है वो है साइकिल रैली, उसमें हमारे PRD के, होमगार्ड के और सभी शासकीय अधिकारी, सारे स्कूल के बच्चे साइकिल से उसी रूट पर चलेंगे जिस पर आज दौड़ हुई है। साथ में मिलके जो अमृत महोत्सव का हमारा पूरा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज का निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन अब हमारी अपेक्षा से ज़्यादा बच्चों ने और हमारे पुलिस के जवानों ने इसमें प्रतिभाग किया। और जैसे निर्धारित था 5 किलोमीटर की एक दौड़ कराई गई थी, उसका कुशल संपन्न हुई। किसी को भी किसी प्रकार से नहीं आया। सभी लोग ने बहुत उत्साह से, और आप देखेंगे आप लोगों ने भी साथ में एक रैली टाइप की है, तो जितने भी आसपास के लोग थे उन सब में जितना उत्साह था अमृत महोत्सव मनाने का, ऐसा लग रहा था कि लोग घरों से उतर के हमारी दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा एक देशभक्ति की भावना का सबने प्रदर्शन किया।
गोरखपुर में करीब 200 स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। हर बच्चे के हाथ में तिरंगा और बच्ची झांसी की रानी की वेशभूषा में नजर आई और भारत माता की जय घोष के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। साथ ही साथ तमाम उन शहीदों को भी याद किया गया जिन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी। स्कूल के बच्चों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे आयोजन रखे हैं जैसे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा, तो उसी के तहत हम लोग ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब इस बार 75वीं भारत की आज़ादी को मनाने जा रहे हैं, तो भारत सरकार द्वारा एक आयोजन किया गया है, उसका नाम है हर घर तिरंगा। उसके लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, जो भी सारे भारतीय हैं उसके अंदर जागरूकता जा रही, और हम सब 15 अगस्त की शुरुआत आज से करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग ये अमृत महोत्सव जिसका आयोजन भारत सरकार ने किया है उसके संदर्भ में जन जागरूकता का कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुए, जिसके माध्यम से बच्चों के माध्यम से हमने यह संदेश देना चाहा कि हर घर में तिरंगा तो हम ऐसे ही लहराते हैं लेकिन देश का प्रेम भी सबके मन में झलकना चाहिए। गोरखपुर में देश की आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के उन वीर सपूतों को याद किया गया, और इसी के मद्देनजर हर घर में तिरंगा लगाने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता में SSP ने 5 पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। कल से ही विभिन्न कार्यक्रम पूरे जनपद में मनाए जा रहे हैं और विशेष रूप से पुलिस द्वारा आज यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों द्वारा DIG रेन सर के निर्देशन में उसमें प्रतिभाग किया गया। देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की जो एक भावना को और सुदृढ़ करने के लिए ये मैराथन का आयोजन हुआ था। इसमें पहले 5 स्थानों पर आने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख